व्यापक मामले की जांच। कुछ भर्तियों में भी गड़बड़ हुई है, भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ हुई है। मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि मैंने पूरी कोशिश की मुख्यमंत्री बनने के बाद कि पूरी भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। इसके पहले कांग्रेस के शासन में भर्ती की कोई प्रक्रिया ही नहीं थी, हमने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम में जब गड़बड़ की जानकारी लगी तो मैं अंदर से तड़फ गया और तब हमने फैसला किया कि यह जांच एसटीएफ करे। एसटीएफ लगातार जांच कर रही है, एसटीएफ की जांच पर मुझे भरोसा है। लेकिन बाद में जब मामला उच्च न्यायालय गया तो उच्च न्यायालय ने अपना यह फैसला दिया, जब पीआईएल लगी और यह कहा गया कि यह जांच सीबीआई को करनी चाहिए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस जांच को ठीक माना और कहा सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। तब से हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, एसआईटी और बनी। हाईकोर्ट और एसआईटी के बाद फिर जांच से राज्य शासन का संबंध समाप्त हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच को ठीक माना। मेरा हाईकोर्ट में पूरा विश्वास, सुप्रीम कोर्ट में पूरा विश्वास है, देश की न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास है। मैं हाईकोर्ट का आदर करता हूं, न्याय व्यवस्था में पूरी पूरी आस्था जताता हूं और जांच पर भी मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जैसा वातावरण बना, विशेषकर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मृत्यु हुई, हमारे एक पत्रकार मित्र को भी हमने खोया, उसके बाद से लगातार ऐसा वातावरण बना हुआ था कि जांच आखिर सीबीआई से क्यों नहीं। मेरा उत्तर था पहले कि सीबीआई को सीधे जांच देने का अधिकार मेरा नहीं, राज्य शासन का नहीं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, उनका फैसला था कि सीबीआई को जांच देने का औचित्य नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था, उनके प्रति पूरा आदर व्यक्त करते हुए उनकी मॉनिटरिंग और जांच में पूरा विश्वास और भरोसा रखते हुए मैं इतना विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। पिछले दिनों जो प्रश्न खड़े हुए, जो सवाल पैदा हुए, उनका उत्तर निष्पक्षता के साथ मिले जरूरी है। लोकतंत्र में शासक को जो जनता का सेवक होता है, संदेह से परे होना चाहिए और इसलिए जो सवाल उठाए गए उनका समाधान जरूरी है। मैं ये मानता हूं जनता के मन में भी सवाल खड़े हुए, प्रदेश के बाहर ज्यादा सवाल खड़े हुए। जनता जानना चाहती कि आखिर क्या है और इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें। इस दौरान जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, मेरा निवेदन रहेगा कि उनकी जांच भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि हर एक मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं वैसे भी संवेदनशील व्यक्ति हूं, मेरी पूरी जिंदगी पारदर्शी प्रामाणिकता से भरी रही है और मैंने हमेशा यह कोशिश की है कि 24 में से 18 घंटे में अपने प्रदेश के विकास के लिए काम करूं, जनता के लिए काम करूं। बेबुनियाद आरोप लगाए गए, उनका व्यापम की जांच से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस के मित्रों का। उनको जो मृत्यु हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक सत्य को घेरो,
काम मत करने दो, आरोप मढ़े जाओ, प्रतिमा खंडित करो, छवि खराब करो। और उन्होंने जो आरोप लगाया वो हमेशा असत्य पाए। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा किस तरह के प्रश्नों का साफ उत्तर मिलना चाहिए, और इसलिए अब तक जो जांच हुई है उसमें विश्वास होते हुए भी, माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का आदर करते हुए भी, और सर्वोच्च न्यायालय में भी अगर ये मामला आएगा तो हमारा निवेदन वही रहेगा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मित्रों, दूध का दूध और पानी का पानी अभी भी साफ है, लेकिन अगर कोई प्रश्न खड़े हुए तो उसका उत्तर भी मिलेगा। मैं मानता हूं कि इसलिए मैंने ये फैसला किया है। मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, मैं बचता नहीं रहा, मैं रात भर जगता रहा। रात में मैंने पूरी गंभीरता से विचार किया और मुझे लगा कि आवश्यक हो गया है कि अब यह जांच सीबीआई करे।